ये कि यहाँ पर जो दुमेल चौक है पेट्रोल पंप के पास ये बस खड़ी थी और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो है दो बंदे जो हैं इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनका ज़ेर इलाज वो चल रहे हैं हॉस्पिटल में और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है, तो जो भी डिटेल्स आएंगी वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, किस तरह का ये एक्सप्लोजिव। देखिए ये तो सारा का सारा फर्दर जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि भाई ये ब्लास्ट की नेचर क्या है, किस तरह का है, बट हाँ ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें ये बस के साथ साथ जो यहाँ पर और भी एक दो बसेज यहाँ पर खड़ी थी उनको भी डैमेज हुआ है, तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी कुछ डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर। नहीं अभी रूल आउट, किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ये अब सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये इसका एंगल क्या है। देखिए अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पहुंचे, अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे साथ सामने आए हैं, तो अभी जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद अभी उनसे पूछताछ चल रही है, अभी जो इंजर्ड है उनसे भी अभी बातचीत वगैरह भी होगी तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बस कब और कहां से आई थी कुछ? ये बस जो है बसंतगढ़ से आई थी और शाम को 5-6 बजे के करीब से यहीं पर लगी हुई थी और सुबह इसको निकलना था दोबारा बसंतगढ़ के लिए। कुछ कार्टून की बात की जा रही है, छत पे कार्टून थे, उसमें शायद आतिशबाजी थी या कुछ ऐसा कुछ सामने आया। देखिए सारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था क्या नहीं था, वो की जो एक्सपर्ट टीम है उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद ही बता सकते हैं।